आने दो आने दो। पवन, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आई एम वेरी हैप्पी। फिल्म एडिट होके मैं देख रही हूँ। मेरा दूसरा काम मैं बहुत खुशी थी। आज पहली बार मैं खुद भी फिल्म देख रही हूँ और मेरे लिए जिस तरह से मैं उसको देख पा रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा फिल्म। एंड एज अ थर्ड पर्सन ऑल्सो आई ऑनेस्टली लाइक द एंटायर प्रोजेक्ट, लाइक द एंटायर एंड रिजल्ट एंड द कंप्लीट एंसेंबल ऑफ द फिल्म। तो सिर्फ मेरा कैरेक्टर तो ऑब्वियसली नहीं बदलूंगा, पर द एंटायर फिल्म इज अमेजिंग। मैं बहुत खुश हूँ। जब आपको सभी आपके हाथों में लगी तो किस तरीके का आपका फर्स्ट रिएक्शन था? मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि मुझे करना है, बिकॉज ये एक बहुत डिफरेंट कैरेक्टर था जिस तरह मैंने अपने शोज में कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। वो उसके कंपेरिजन में बहुत अलग था और बहुत चैलेंजिंग थे वो टू स्टार्ट टू बिगिन विद, क्योंकि मराठी में था और मैं इतने वक्त के बाद जितनी ज़्यादा कंफर्टेबल होती मैं उतनी मराठी में नहीं, तो ये मेरे लिए बहुत अलग और चैलेंजिंग था। तो और मुझे चैलेंजेस अच्छे लगते थे। आई हिंदी में देखा है तो फर्स्ट टाइम आप मराठी में डेब्यू कर रहे हैं, तो कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहा या फिर प्रिपरेशन आपने किस तरीके से की उसके बारे में? चैलेंजिंग तो ऑब्वियसली रहा है ही, बट प्रेपरेशन हमने की थी, हमने वर्कशॉप्स किए थे और वो मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल रहे हैं। ऑल्सो इस फिल्म में लैंग्वेज इतनी ज़्यादा कहते हैं ना कि ठेठ मराठी की बहुत जैसे जिस तरह से मराठी में घर पे बात करती हूँ वही थी, तो इसीलिए वो एक साइड ऑफ द फिल्म ऑल्सो मुझे बहुत हेल्प किया। काफ़ी बढ़िया था। अभी तो इतना एक्सपीरियंस बोल चुका हूँ मैं महीने भर कि अभी फिल्म देख ही रहे हैं लोग, टाइम है कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिख रही है, लोग आके मुझे बोल रहे हैं ये बहुत कुछ देख रहे हैं। सो आई फील दैट जो हमने एक किया था, जो एक हमारा मॉडलिंग है लाइफ अच्छी तरह से उसके अंदर ट्रांसलेट हो एंड इट इज लुकिंग ग्रेट, पीपल आर लविंग इट एंड आई एम लविंग इट। भैया फर्स्ट मूवी मराठी में निकली है, इसके बाद आप कोई मराठी में काम करेंगे? ऑफकोर्स, कोई अच्छी स्क्रिप्ट होगी तो मुझे ऑफर्स आए हैं और हमने स्क्रिप्ट पढ़ी है तो देखते हैं कुछ अच्छा अगर लगा। पार्ट टू में मन करता है, पार्ट टू आ सकते हैं एक ही अभी पार्ट टू के बारे में पहले फिल्म देखेंगे, पहले ये साल एंजॉय करो मंचस्त्री का, फिर देखते पार्ट टू। यहाँ पे सामने सामने थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं फिल्म में सो रही है।